गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको आपके मंथन पाठ पुस्तक से पाठ एक जिसका नाम है पीला रंग आशा का। पीला रंग बच्चों आशा और विश्वास का प्रतीक होता है। इस कहानी में व्यक्ति अपनी आशा और विश्वास के सहारे ही जीता है। गांव में रहने वाली एक वृद्धा के विश्वास को दृढ़ बनाने में गांव के बच्चे सहायता करते हैं और अंत में दादी माँ का विश्वास जीत जाता है। कहानी है कुदरत की गोद में छिपे हुए एक शानदार देहात में एक दादी माँ सी बूढ़ी औरत रहती थी, यानी कि प्रकृति की गोद में एक सुंदर देहात में दादी माँ सी एक बूढ़ी औरत रहती थी। वैसे तो देखा जाए तो दादी माँ अकेली, परंतु गांव के सारे छोटे बड़ों को अपने रिश्तेदारों से प्यार देने की ताकत थी। उनके दिल में दादी माँ का छोटा सा घर, घर के सामने बगीचे में अलग अलग रंगों के सिर्फ गुलाब के फूलों के पौधे। दादी माँ की दृष्टि से घर का सबसे महत्वपूर्ण कमरा था उनका स्टडी यानी अध्ययन कक्ष। अध्ययन कक्ष की खिड़की खोलते ही नन्हे से बगीचे का हरा पौधा दिखाई देता। दादी माँ के घर के सामने एक छोटा सा बगीचा था जिसमें सिर्फ गुलाब के ही फूल लगे होते थे और उनके खिड़की खोलते ही वह बगीचे के फूल पौधे हरियाली सब दिखाई देने लगता था। उस कमरे में एक टेबल कुर्सी आराम कुर्सी, टेबल पर लिखने का सामान, अलग अलग डिजाइन के आकार के रंग बिरंगे कागज लिफाफे, टिकट रखने के लिए पियानो के आकार की छोटी सी लकड़ी की पेटी, एक मजबूत अलमारी में लाइफ लेटर, इस आशय की मशहूर व्यक्तियों के पत्र व्यवहार संबंधी दादी माँ द्वारा जमा की हुई किताबें। घर के जरूरी काम खत्म करने के बाद बाकी समय दादी माँ अपना मन चाहा सब पूरा करने में यानी कि पत्र लिखने में बिताती थी। दादी माँ का एक बहुत ही बड़ा शौक था पत्र लिखना। वो अपने घर के सारे काम खत्म करने के बाद वह अपने अध्ययन कक्ष में पत्र लिखने जाती थी। इस शौक की खातिर लिखे हुए 3/4 पत्र आज के फौजी और भूतपूर्व सैनिकों के होते थे। कई फौजी नियमित रूप से पत्रों के जवाब ही देते थे। दूसरे महायुद्ध के खत्म होने के बाद एक पत्र मित्र यानी कि पत्र लिखकर बनाया गया मित्र सैनिक दादी माँ से मिलने आया। उसने दादी माँ के सामने शादी का प्रस्ताव भी रखा। उस दिन सुबह रोज की तरह दादी माँ के बगीचे में घूमकर पौधों को पानी दिया। खिले हुए 2-3 गुलाब आहिस्ता से तोले, यानी कि रोज की तरह दादी माँ अपने बगीचे में जाकर घूमी और पौधों को पानी दिया और खिले हुए 2-3 गुलाब को धीरे से तोड़ लिया। घर में कदम रखने जा ही रही थी कि पास पड़ोस के छोटे बच्चों ने उन्हें घेर लिया। बच्चों की उत्साहपूर्ण बातों से वह समझ गए कि खाड़ी युद्ध में जिन सैनिकों ने हिस्सा लिया था उनमें से इस प्रदेश से गए हुए 100 सैनिकों की टुकड़ी को गांव के स्कूल के लड़के लड़कियों ने गोद लिया है। उन सैनिकों के टूथपेस्ट, टूथ
रस, छोटे तोले इत्यादि उपयुक्त चीजें भेजने के लिए नियमित रूप से अपनी पॉकेट मनी से पैसे दे, अपने हाथों से बनाई चीजें चित्र बेचकर पैसा इकट्ठा करेंगे। उन सौ सैनिकों को कम से कम हफ्ते में एक बार दादी माँ पत्र लिखकर भेजे या इच्छा लेकर सैनिकों के यूनिट का पता, उनके नामों की सूची, कागज, लिफाफे और टिकटों के लिए पैसे लेकर बच्चे वहां आए थे और दादी माँ ने से लिपट कर अपनी बात मनवा रहे थे। बच्चों की निस्वार्थ भावनाएं देखकर दादी माँ ऐसे भीगी कि जो ही उसने किसी तीर्थ का स्नान किया हो। दादी माँ का अध्ययन कक्ष में लौट आए। दादी माँ फिर बच्चों की शरारत करने देखने के बाद उन्हें मना नहीं कर पाई और वह अध्ययन कक्ष में लौट आए और बच्चों द्वारा गोद लिए हुए सैनिकों को पत्र लिखने लगे। हरकत के आखिर में यह आपके आजाद देश की मिट्टी में खिली हुई खूबसूरती का प्रतीक है। यह वाक्य लिखकर दादी माँ गुलाब की खूबसूरत पंखुड़ियां रखती। यह बात बच्चों के ध्यान में आई। बस यह बात समझने की देर थी कि गांव में जिनके बगीचे में गुलाब के पौधे थे उनसे गुलाब के फूल मांग कर लाना और दादी माँ की स्टडी में फूल दानों में फूलों को सजाकर रखने का नशा सा बच्चों पर सवार हो गया। सैनिकों को लिखे हुए खत जिन पत्र पेटी में पोस्ट किए जाते थे उस पत्र पेटी को बच्चों ने नीली पीली सफेद और लाल रंग की रेशमी रिबनों से सजाया। बच्चों आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद और आप लोग पढ़ते रहिएगा।